इट इज 4th of October टुडे एंड Far Cry 6 इज ऑलरेडी इन एयर। प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गए थे काफ़ी महीने पहले एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ Far Cry 6 के कुछ ऐसी डिटेल्स जिससे आप श्योर हो जाओगे कि आपको ये गेम खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। सो लेट्स रोल इन विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट सम स्टोरी डिटेल्स। तो स्टोरी जो सेट है वो कम्प्लीटली सेट है एक फिक्शनल कैरेबियन आइलैंड में जिसका नाम दिया गया है यारा। एंड यारा जो है एनवायरनमेंट वो पूरा आउटर वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसे फ्रोजन इन टाइम कहा गया है। एंड हम लोग एज अ प्लेयर खेलने वाले हैं डैनी रोवास को एंड वहाँ का जो डिक्टेटर है जिसका नाम है एंटोन कैस्टियो, हमको उसके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन खड़ा कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइज इन यारा। एंड इन एलाइज के हेल्प से हम लोग एंटोन कैस्टियो को नीचे गिरा रहे हैं। एंड एक और जो मेजर फैक्टर है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डियागो, जो 15 साल का है एंड वो एंटोन कैस्टियो का बेटा है। आई एम रियली श्योर थ्रू गेम प्लेज एंड ट्रेलर एंटोन कैस्टियो का बेटा डियागो काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा स्टोरी लाइन में। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द स्टोरी। सो अप नेक्स्ट इज अबाउट एलाइज। तो एलाइज की बात करूँ तो एज हम लोग एंटोन कैस्टियो के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन खड़ा कर रहे हैं तो हम लोग को एलाइज चाहिए। एंड अब तक के जो गेम प्लेज है, अब तक के जो ट्रेलर्स है, उससे हमें ये पता चल गया है कि डैनी रोवास यारा को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगी और अपने लिए एलाइज को इकट्ठा करेंगी। जो दो बड़े एलाइज अब तक बताए गए हैं वो है मोंटेरोस जो टबैको फार्मर्स की फैमिली है एंड दूसरा है लेजेंड्स ऑफ 67। तो ये दोनों बड़ी एलाइज बताई गई है अब तक ट्रेलर्स और प्लॉट से। और एक और बात, इन एलाइज की खुद की एक बैक स्टोरी होगी, खुद का एक प्लॉट होगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट प्लॉट जस्ट बिकॉज कि इनके प्लॉट की वजह से गेम का लॉर काफ़ी ही इनडेप्थ हो जाएगा। एंड एक और बात, जो पेट एलाइज है उन्हें गेम में एमिगोस कहा है, मतलब वो व्हील चेयर डॉग, फिर हॉर्स, क्रोकोडाइल, फिर मैंने पैंथर भी देखा है, तो वो सारे हो गए एमिगोस एंड वो लोग हमें स्टेल्थ प्ले में काफ़ी ज़्यादा मेजरली हेल्प करेंगे। और दूसरे फैक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दो कार्स तो रही ही गेम में बट हॉर्स आर ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट डिटेल इज विविरो। तो एंटोन कैस्टियो जो है उसका जो मेन मास्टर प्लान है दैट इज विविरो। तो विविरो के इस्तेमाल से एंटोन कैस्टियो यारा का अपब्रिंगिंग करना चाहता है, यारा का प्रेजेंस बनाना चाहता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये जो है विविरो वो एक रेवोल्यूशनरी कैंसर ट्रीटमेंट सिस्टम है जिससे कैंसर को इजीली ट्रीट किया जा सकता है। बट इस सारे का एक पॉजिटिव मोटिव है बट एक डाउन साइड है, वो है कि एंटोन कैस्टियो इन सारी चीज़ों को सक्सेसफुल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन इस्तेमाल कर रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसके काफ़ी डाउन साइड्स भी है, लाइक इट इज़ लीडिंग टू पोल्यूशन, एक्स्ट्रा पोल्यूशन, वो लेबर फोर्स कर रहा है एंड ऑल्सो मिलिट्री का मिसयूज़ कर रहा है फॉर बेटर प्रोडक्शन। एंड इन सारी चीज़ों को हमें एज अ प्लेयर, एज डैनी रोवास, हमें इनके प्लांट्स, मतलब जो विविरो प्लांट्स होंगे, इनको डिस्ट्रॉय करना एक बहुत ही मेजर पार्ट होगा इन द गेम फॉर द प्रोग्रेशन एंड ऑल्सो फॉर द डाउन ब्रिंगिंग ऑफ एंटोन कैस्टियो। अब नेक्स्ट इज कोऑप प्ले। तो जो स्टोरी है, जो पूरी कैंपेन स्टोरी है, वो आप कोऑप में खेल सकते हो एंड कोऑप में एक बड़ा फीचर वो है कि इस बार आप मैच मेकिंग कर सकते हो, मतलब आप अननोन प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हो इन कोऑप एंड प्रोग्रेस योर स्टोरी। फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली खेल सकते हो एंड ऑल्सो सिंगल प्लेयर मोड भी है। Far Cry 6 का एक बड़ा मेजर, मतलब Far Cry गेम्स का एक बड़ा मेजर हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप कोऑप खेलो या आप सिंगल प्लेयर खेलो, इट डजेंट मैटर्स। और द थिंग दैट मैटर्स कि अगर आप कोऑप खेल रहे हो तो आपके लिए एक्सपी, लूट और प्रोग्रेशन वेरी करेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल प्लेयर, बट स्टोरी में कोई चेंजेस नहीं हो गया। आप कोऑप में भी और सिंगल प्लेयर भी पूरी गेम को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड एक और मेजर पार्ट है कि DLCs और एक्सटेंशंस जो आएंगे आगे वो भी कोऑप सपोर्टेबल होगी, मतलब आप फ्रेंड्स के साथ या फिर मैच मेकिंग करके भी खेल सकते हो। जो खबर है वो डिसअपॉइंटिंग है फॉर मोस्ट ऑफ द Far Cry सीरीज फैन, क्योंकि इस साल ना Far Cry में आर्केड मोड नहीं आने वाला है। आर्केड मोड की बात करें तो वो एक मैप एडिटर मोड था जो काफ़ी रोबस्ट कंट्रोल के साथ आता था, बट वो आता था सिंस Far Cry 2, Far Cry 2, 3, 4, 5 एंड
न्यू डॉन तक आया बट सिक्स में नहीं कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि यूबीसॉफ्ट का कहना ये है कि उन्हें गेम की स्टोरी और गेम के एनवायरनमेंट के काफ़ी ज़्यादा फोकस करना था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने आर्केड मोड नहीं बनाया। ऑल्दो मैं भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मुझे भी आर्केड मोड काफ़ी पसंद था, फार क्राई 3 का बेस्ट आर्केड मोड मैं कहता हूँ, बट इस बार आर्केड मोड नहीं है। बट लेट्स सी स्टोरी क्या प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट इज प्लान्स ऑफ पोस्ट लॉन्च कंटेंट। तो एक बार फायर क्राई 6 लॉन्च हो जाए और जो डेडिकेटेड गेमर्स है जो 20-30 घंटों में पूरी गेम्स को ख़त्म कर देंगे उनके लिए पोस्ट लॉन्च कंटेंट आने वाला है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बताना चाहूँ तो ये सारे पोस्ट लॉन्च कंटेंट फ्री आएंगे एंड ये एक हफ्ते बाद फायर क्राई 6 के लॉन्च के एक हफ्ते बाद लॉन्च होने वाले हैं, अब टिल विच आई नो यूबीसॉफ्ट ने ये डिक्लेयर किया है। एंड ये 3 बड़े इवेंट्स आने वाले हैं आफ्टर 1 week ऑफ फायर क्राई 6 रिलीज। द फर्स्ट इज डैनी वर्सेज एवरीबडी, सेकेंड इज रेनबो एट द ब्लड एंड थर्ड इज द वैनिशिंग। मैं तीनों के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ बट इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट मुझे हो रही है दैट इज़ द वैनिशिंग, क्योंकि वैनिशिंग जो है वो स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी स्टोरी को एक्सेप्ट करता है एंड उसकी एनवायरनमेंट को क्रिएट करके आई एम रियली एक्साइटेड कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाली मतलब इवेंट कैसे होगी, हम लोग कैसे खेल पाएंगे। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट एंड दैट्स इट, दैट्स आर द करंट प्लान। आगे कोई प्लान होगा ऑब्वियसली इनके आगे इवेंट्स आने वाले हैं बट अभी तक उन्होंने उसके नाम और उसकी डिटेल्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट इज नेक्स्ट जेन अपग्रेड डिटेल्स। तो आप सबको पता ही होगा PlayStation 5, Xbox X और S काफ़ी गेमर्स के हाथ में नहीं आया है अब तक एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न PlayStation 4 पे अगर आप खरीद रहे हो या Xbox One पे तो जब आप PlayStation 5 या Xbox X या S जब आपके हाथों में आएगा तब तो आपको फ्री नेक्स्ट जेन अपग्रेड मिलेगा, दैट इज़ आप Xbox One की ही सी डी या फिर डिजिटलाइजेशन को सीधा PlayStation 5 पे भी खेल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, Xbox X या S पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यस Far Cry 6 ऑल्सो सपोर्ट स्मार्ट डिलीवरी, तो आपको डिजिटल एडिशन भी मिलेगी एंड CDs भी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज PC फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट। अगर आप PC पे गेम खेलने की सोच रहे हो तो आई नो आपने एपिक गेम्स पे जाके प्री ऑर्डर करने भी सोची होगी बट प्री ऑर्डर के नीचे आप जाके देखो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स नहीं दी गए हैं, फीचर्स नहीं दी गए हैं, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो बेटर ऑप्टिमाइज्ड होगी PC पे, अल्ट्रा वाइड स्क्रीन सपोर्ट मिलेगा इस गेम में एंड ऑल्सो रे ट्रेसिंग सपोर्ट मिलेगा एंड बेंचमार्क टूल्स भी मिलेंगे इसमें। अब मेन बात जो है दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो लो सेटिंग्स के लिए आपको चाहिए होगा Ryzen 3 या फिर Intel i5 का CPU, GPU की बात करें तो RX 460 4GB वाला एंड GTX 9060 4GB वाला चलेगा एंड RAM आपको 8GB चाहिए। अगर आप हायर सेटिंग्स पे खेलना चाहते हो तो आपको CPU जो चाहिए होगा दैट इज़ Ryzen 5 या फिर Intel i7 7700 एंड GPU जो होगा वो है RX Vega 64 8GB वाला या फिर GTX 1080 8GB वाला या फिर उससे अपग्रेडेबल मतलब उससे ऊपर वाले ग्राफिक कार्ड तो चलेगी ही। एंड RAM आपको चाहिए होगी 16GB। अगर आपको अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे खेलना है तो Ryzen 5 तो सेम ही है, Ryzen 5 पे अल्ट्रा हाई भी खेल सकते हैं या फिर हाई भी खेल सकते हैं एंड Intel i7 9700K वाला मॉडल चाहिए होगा आपको। एंड GPU की अगर बात करूँ तो RX 5700XT या फिर NVIDIA RTX 2070 Super एंड RAM जो चाहिए होगी दैट इज 16GB। एंड इन सारे के स्टोरेज रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो 60GB है सब चीज़ों की स्टोरेज रिक्वायरमेंट Far Cry 6 की। एंड अगर आपको HD टेक्सचर्स भी चाहिए गेम में दैन इट वुड रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा 37GB। एंड अगर आपको रे ट्रेसिंग खेलनी है तो रे ट्रेसिंग की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एक और मेजर बात, अगर आपके पास यूबीसॉफ्ट वालों ने कहा अगर आपके पास HDD होगी तो आपको अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको SSD हो तो इट्स फार मोर बेटर, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड गेम प्ले आपको मिलेगा एंड ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको 30 FPS 60 FPS ईजिली दे सकती है। So this was all about Far Cry 6.
एंड मुझे आप ज़रूर बताएगा अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस कर दी है, एंड मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, डू गिव मी अ कमेंट, एंड इफ़ नॉट सब्सक्राइब येट इट इज़ ग्रेट टाइम टू डू सो, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही नए कंटेंट लाता रहूँगा अबाउट अपकमिंग गेम्स एंड ऑल्सो टॉप 10 गेम्स एंड ऑल डिटेल्स एसेंशियल्स एंड ऑल सच टाइप ऑफ स्टफ इन हिंदी। तो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक और बार हिट द लाइक बटन, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड नेवर स्टॉप गेमिंग।